सबसे बड़ी खबर है 16 जून को बीजेपी का बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। केंद्रीय मंत्रियों का सम्मान होगा, एमपी कोटे से बने केंद्रीय मंत्रियों का सम्मान होगा। बीजेपी दफ्तर में ये सम्मान होने जा रहा है। एमपी कोटे से 6 मंत्री बने हैं और आपको बताएं कि अब इनका सम्मान होगा। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जो एमपी से मंत्री बनाए गए हैं उनका सम्मान होने जा रहा है, 16 जून को बीजेपी ने बड़ा कार्यक्रम रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, मध्य प्रदेश कोटे से इस बार कुल 6 मंत्री बनाए गए हैं और उससे पहले भी अगर मैं देखूँ 6 मंत्री थे और उसके बाद अब क्योंकि उनका केंद्र के बाद अब उनका मध्य प्रदेश में दौरे भी शुरू हो गए और ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने सभी जो 6 मंत्री हैं जो कि मध्य प्रदेश कोटे से सबको बाकायदा चिट्ठी लिखी और 16 तारीख को उनको यहाँ पर बुलाया गया है और वो शाम को 6 बजे उनका एक रखा गया जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मोहन यादव और उसके अलावा जो प्रदेश कार्य समिति के जितने भी सदस्य और पदाधिकारी और पदाधिकारी है, इसके अलावा आम कार्यकर्ता जो हैं वो सबके सब यहाँ मौजूद रहेंगे। देखिए, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान हो या फिर बीरेंद्र खटीक के अलावा जो है वो मंत्री बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश कोटे से एल मुरुगन जो है वो यहाँ से राज्यसभा सांसद है, उनको भी बुलाया गया है। इसके अलावा दो राज्य मंत्री जो आदिवासी कोटे से आते हैं, दुर्गादास उइके और सावित्री ठाकुर, ये 6 के 6 जो मंत्री हैं इनको बुलाया गया है और एक साथ ये सभी लोग रविवार शाम को यहाँ पहुंचेंगे और इनका एक अभिवादन समारोह बीजेपी मुख्यालय में आयोजित किया जाएगा। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे, उज्जैन का जिक्र करेंगे। सट्टेबाजी पर सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, करोड़ों रुपए के साथ ही 9 सट्टेबाज गिरफ्तार हुए हैं। 10 से 15 करोड़ रुपए हुए हैं बरामद। रुपए गिनने के लिए मशीन भी मंगवानी पड़ी। आईपीएल मैच पर सट्टा लगाते ये सट्टेबाज गिरफ्तार हुए। कृष्णा विहार के पास मुसद्दीपुरा में छापा पड़ा। बिल्डर पीयूष चोपड़ा के घर पर सट्टा चल रहा था और उसी दौरान ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली थी। राकेश कुमार त्रिपाठी को जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो पाया कि वो एक डिलीवरी बॉय है और वो इस गिरोह के संपर्क में आया जो फर्जी करंट अकाउंट्स खुलवाता है और उन्हीं के संपर्क में आके पैसे के लालच में उसने इस फर्जी करंट अकाउंट को संचालित किया और उसमें राकेश त्रिपाठी से पूछताछ के आधार पर ही इंडसइंड बैंक के बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर मोहम्मद जावाज की भूमिका आई जिसको गिरफ्तार किया गया। और मोहम्मद जावाज से जो प्रारंभिक पूछताछ हुई उसमें यह पता चला कि उसने लगभग 35 करंट अकाउंट्स खुलवाए हैं और उनको जब फर्दर उसकी ट्रेल देखी गई तो उसमें से 15 अकाउंट राज्य की। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, लगातार सट्टेबाजी पर शिकंजा कसा जा रहा है और ये भी बड़ी कार्रवाई मान सकते हैं, बड़ी सफलता प्रशासन को मिली है। जी बिल्कुल, ये प्रशासन की बड़ी सफलता है, बड़ी कार्रवाई हुई है, बड़े आरोपियों को गिरफ्तार किया है, एक बड़ा जो उनके पास से अमाउंट भी जब्त हुआ है, तो कहीं ना कहीं पुलिस की ये बहुत बड़ी सफलता है और इसमें पूरे मामले में लगातार इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। अभी शुरुआती जांच में क्या कुछ कहा जा रहा है, जो सट्टेबाजी का ये पूरा खेल उजागर हुआ है, आखिर कहाँ कहाँ तक इसके तार बिछे हुए हैं, कहाँ कहाँ के लोग यहाँ पर पहुँचते थे, कितने लंबे वक्त से सट्टेबाजी करते थे? मिथिलेश से फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो ये बड़ी कामयाबी हम मान सकते हैं साइबर पुलिस की। ये पूरा जो सट्टा चल रहा है ये ऑपरेट दुबई से हो रहा था और लंबे वक्त से हम देख भी रहे हैं कि ताबड़तोड़ कार्रवाइयां भी जारी हैं। सट्टेबाजों का खेल जो चल रहा है उस पर प्रशासन भी सख्ती दिखा रहा है और इसी बीच ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जहां पर सट्टेबाजी को रोकने के लिए बड़ी कार्रवाई की गई, छापा मारा गया और साथ ही साथ बड़ा खुलासा किया। 85 लाख रुपए के साइबर फ्रॉड की जांच अभी की जा रही है। राज्य साइबर पुलिस ने यह बड़ा खुलासा किया। 85 लाख रुपए देश के अलग अलग राज्यों के बैंक खातों में ट्रांसफर हुए थे जिसमें से आर के एंटरप्राइज नाम से एक खाता इंदौर के एक इंडस बैंक में मिला है जो डिलीवरी बॉय राकेश त्रिपाठी के नाम पर है। पुलिस की पड़ताल में पता चला है कि खाता आर के एंटरप्राइजेस के मैनेजर मोहम्मद जांबाज ने खुलवाए थे। तो अब इस पूरे मामले में पूछताछ भी जारी है, कहां कहां तक ये जाल फैला हुआ है, कितने लंबे वक्त से सट्टेबाजी का खेल चल रहा था, कौन कौन इसमें शामिल है, कहां का पैसा कहां गया, कहां आया, कैसे ट्रांसफर किया गया, ये तमाम वो पहलू हैं जिन पर अभी जांच पड़ताल पूछताछ जारी है।
और आगे बढ़ेंगे, उज्जैन का जिक्र करेंगे। सट्टेबाजी पर सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, करोड़ों रुपए के साथ ही 9 सट्टेबाज भी गिरफ्तार हुए हैं। 10 से 15 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं, सूत्रों के हवाले से यह जानकारी है। रुपए गिनने के लिए मशीन भी मंगवानी पड़ी। आईपीएल मैच सट्टा लगाते सट्टेबाज गिरफ्तार हुए हैं। कृष्णा विहार के पास मुसद्दीपुरा में छापा पड़ा, बिल्डर पीयूष चोपड़ा के घर पर यह सट्टा चल रहा था। उज्जैन में भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, यहां पर भी सट्टेबाजी का खेल लगातार चल रहा था और अब बिल्डर के यहां पर छापा मारा गया है। यहां पर भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, मैच पर यहां पर सट्टा लगा रहे थे और इसी बीच ये बड़ा छापा, बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सट्टेबाजों में कहीं ना कहीं हड़कंप भी मच गया है, चूंकि लंबे वक्त से प्रशासन की सक्रियता और इन पर शिकंजा कसा जा रहा है। उज्जैन में पुलिस प्रशासन की एक बड़ी कार्रवाई हुई है, मुसद्दीपुरा और इंदौर रोड पर जो 90 ड्रीम्स कॉलोनी है, यहाँ पर बिल्डर के यहाँ पर छापामार कार्रवाई की है। देर रात से लगातार यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, करोड़ों रुपए जब्त किए गए हैं और आप देख सकते हैं इस वक्त जो है यहाँ से जिसके माध्यम से जो ऑनलाइन सट्टा और आईपीएल सट्टा का जो कारोबार किया जा रहा था उस सब सामग्रियों को यहाँ से जब्त किया गया है। रात भर जो है मशीनों के माध्यम से नोटों की गिनती चल रही थी, रात भर से ये पुलिस की टीम पूरी लगातार लगी हुई थी और ये वो लोग हैं जिन लोगों ने जो रात भर से मेहनत की है और पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और बताया जा रहा है कि अभी मुसद्दीपुरा जो है वहाँ पर लगातार अभी गिनती जारी है और यहाँ पर भी जो दूसरी जगह 90 ड्रीम्स कॉलोनी है यहाँ पर भी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। कुछ ही देर में जो है उज्जैन एसपी इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे और आखिरकार ये कब से ये पूरा जो गोरख धंधा चल रहा था और इसमें ऐसे कितने लोग शामिल हैं जो इस पूरे धंधे को अंजाम दे रहे थे। अजय पटवा, न्यूज 18 मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ेंगे, रतलाम का जिक्र करेंगे। मंदिर में आपत्तिजनक सामान फेंकने का यह मामला है, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी की मदद से आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, आरोपियों के घर बुलडोजर भी चला है। जावरा जेल रोड क्षेत्र में यह कार्रवाई देखने को मिली, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा इसी दौरान। भोपाल में नगर निगम के प्रोजेक्ट में अधूरे मकानों को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोग ढोल नगाड़े लेकर निगम ऑफिस पहुंचे और विरोध यहां पर करने लगे। कमिश्नर के रूम के बाहर ही बैठकर लोग नारेबाजी करते नजर आए। इसी के साथ ही चेतावनी दी कि अगर उन्हें जल्दी ही मकान नहीं मिले तो तालाबंदी भी कर दी जाएगी। 30 लाख रुपए बैंक से कर्जा लेकर के इनके मकान पर इन्होंने 21 में पैसे मकान देने के लिए बोला था और आज तक इनके मकान बने नहीं है और इन्होंने हमारे पैसे डकार लिए और खा गए। हमें आज तक उसका पजेशन भी नहीं मिला, ना हमें उसका अधिकार मिला। हम कई बार आंदोलन कर चुके हैं, कई बार पेपरबाजी कर चुके हैं, मगर हमें ये बोल दिया जाता है 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने। तो आज हम इसलिए बैठे हैं कि आज हमें पजेशन दिया जाए। सांसद बनने के बाद पहली बार आशीष दुबे दिल्ली से जबलपुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। नवनिर्वाचित सांसद के स्वागत में एयरपोर्ट से गाड़ियों का काफिला निकला, जिसमें बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में आशीष दुबे ने कांग्रेस के दिनेश यादव को मात दी थी। तो दिल्ली से जबलपुर पहुंचने पर स्वागत सांसद का, सांसद बनने पर लोगों की बधाई और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे जो स्वागत करते हुए उनका नजर आए। अमरवाड़ा में विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग अब तेज हो गई है। बीजेपी ने कमलेश शाह को यहां से प्रत्याशी बनाया। बीजेपी विधायक भगवान दास सबनारी ने दावा किया कि 13 जुलाई को अमरवाड़ा में बीजेपी का कमल खिलेगा, तो वहीं कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के प्रत्याशी नहीं है। कमलेश शाह को मुकेश नायक ने कांग्रेस से भागा हुआ करार दिया। अमरवाड़ा उपचुनाव होने वाले हैं, जुबानी जंग अब तेज हो चुकी है। दोनों ही पार्टियां मैदान में हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, और अब कहीं ना कहीं टिप्पणियां हो रही हैं, अलग अलग बयानबाजी भी सामने आ रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने नीट 2024 मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली अर्जी पर आज किसी भी तरह का आदेश जारी करने से फिलहाल इनकार कर दिया। इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया। इसके साथ ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से दाखिल ट्रांसफर पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया। अब 8 जुलाई को दोनों मामलों की सुनवाई होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट से देश भर के हाईकोर्ट में नीट 2024 के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को ट्रांसफर कर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की मांग की थी। शिक्षा के मामले में एनटीए के द्वारा दाखिल ट्रांसफर पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए की अर्जी पर सुनवाई करते हुए तमाम पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। दरअसल एनटीए की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी और यह कहा गया था कि ऐसे मामले कई हाई कोर्ट्स में लंबित हैं और ऐसे में फिलहाल तमाम याचिकाओं को एक साथ क्लब करके सुप्रीम कोर्ट में ही लाया जाए और सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करे, जिससे छात्रों के बीच में जो भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है वो ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल एनटीए की अर्जी पर सुनवाई किया और तमाम पक्षकारों को नोटिस जारी कर मामले को 8 जुलाई के लिए लगा दिया है। इसी बीच कुछ और याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिसमें ये मांग की गई थी कि सेंटर मैनिपुलेशन हुआ है, नीट की परीक्षा में अंकों के साथ छेड़छाड़ किया गया है और पेपर लीक भी हुआ है, लिहाजा इस पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सीबीआई जांच के आदेश देने वाली अर्जी पर अभी फिलहाल कुछ आदेश नहीं जारी किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी को पेंडिंग रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने और तमाम याचिकाओं पर भी नोटिस जारी कर तमाम याचिकाओं को मुख्य मामले के साथ जोड़ दिया है। अब ऐसे में ये कहा जा सकता है कि नीट से संबंधित जो भी बड़े मामले होंगे, अब उन मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को करेगा और ऐसे में जो एनटीए की ट्रांसफर पिटीशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में तमाम जो हाई कोर्ट्स में याचिकाएं दाखिल की गई हैं, उन तमाम याचिकाओं पर अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर आगे बढ़ेगा। तो 8 जुलाई की सुनवाई बेहद अहम होगी, जब तमाम मुद्दे एक साथ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखे जाएंगे। देखना बेहद अहम होगा कि एनटीए का जवाब इस पूरे मामले में आने वाले दिनों में क्या होता है। कैमरामैन सोनू के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। कश्मीर की डल झील की तर्ज पर अब आपको भोपाल के बड़े तालाब में शिकारा चलते मिलेंगे। आज शिकारा का शुभारंभ विधायक भगवान दास सबनानी और महापौर मालती राय ने किया। आपको बता दें कि एनजीटी के आदेश पर बड़े तालाब में क्रूज चलाना बंद कर दिया गया है। ऐसे में बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए अब बड़े तालाब में शिकारा चलाया जा रहा है। महापौर की माने तो इसे प्रयोग के तौर पर शुरू कर रहे हैं और अगर ये प्रयोग सफल रहा तो और भी शिकारा इस तालाब में उतारे जाएंगे। नाव को शिकारे के रूप में परिवर्तित करके, ब्यूटीफाई करके और भोपाल की जनता को नई सौगात देने का प्रयास किया है कि कम से कम जब यहाँ पर लोग बड़े तालाब के किनारे बोट क्लब पर आएंगे तो उनको यह महसूस होगा कि हम कश्मीर के शिकारे में बैठने के लिए आए हैं। इस तरह का नगर निगम का प्रयास है। सैलानी और पर्यटक जो आते हैं उनको भी आनंद की अनुभूति होगी, भोपाल जैसा है उसमें और बेहतर हुआ है। इसके लिए भोपाल के महापौर और नगर निगम के हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने जो प्रयास किया है शिकारे के रूप में कि अब कश्मीर में हमको जाने की जरूरत नहीं है, डल झील जाने की जरूरत नहीं है। का जिक्र करेंगे, रेव पार्टी मैनेजर गिरफ्तार हुआ है। पूछताछ के दौरान मैनेजर का खुलासा हुआ, 2 दर्जन फार्म हाउस में रात भर पार्टियां चलती हैं, क्लब और बार में काम कर चुकी हैं आरोपी। पिछले दिनों रेव पार्टी पर छापा पड़ा था और उसके बाद से ही गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें भी बनाई गई थी। बता दें बड़ी संख्या में युवक युवतियां वहां पर नशा कर रहे थे और गांजा भी जब्त किया गया था बड़ी मात्रा में। अब जाकर के गिरफ्तारी हुई है, जो मैनेजर है फार्म हाउस का उसकी गिरफ्तारी हुई है। पूरे मामले में अब पूछताछ भी जारी है, कई सारे खुलासे और भी हो सकते हैं। ये भी सामने आया है कि 2 दर्जन फार्म हाउस में रात भर यहाँ पर पार्टियां चलती हैं और इसी तरह नशा परोसा जाता है, अलग अलग तरह के नशे यहाँ पर परोसे जाते हैं। अब गिरफ्तारी हुई है और भी कई सारे खुलासे जल्द होंगे। इंदौर के होटल में युवतियों का हंगामा देखने को मिला है। इवेंट के नाम पर कई मॉडल्स के साथ ठगी हुई है, पैसे लेकर भागा है आयोजक शुभम पटेल। युवतियों से पैसे लिए गए थे, 5,000 रुपए लिए थे। एमपी राजस्थान के कई मॉडल्स से पैसे इसके द्वारा लिए गए थे, मेकअप ड्रेस और फूड के नाम पर पैसे लिए थे। सोशल मीडिया पर इवेंट का प्रचार हो रहा था, 140 मॉडल ने इवेंट में हिस्सा भी लिया था। मल्हारगंज थाने में दर्ज कराई गई है अब शिकायत।
इसी के साथ ही यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं और भी खबरों के साथ।